हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी नॉलेज जोन। आज हम लोग करेंगे बीएससी थर्ड सेमेस्टर में केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल नंबर 1। सो देखिए, हमारा ऑब्जेक्ट क्या है। टू डिटरमाइन सरफेस टेंशन ऑफ गिवन लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, यानी रूम टेम्परेचर पर आपको एक लिक्विड दिया होगा, उसकी सरफेस टेंशन निकालनी है बाय स्टैलगमोमीटर रिलेटिव टू वाटर। एक आपको एपरेटस मिलेगा स्टैलगमोमीटर नाम का, उससे आपको किसकी लिक्विड की सरफेस टेंशन निकालनी है। ठीक है, पहले तो ये देख लीजिएगा कि जो थर्ड सेमेस्टर में जो आपके प्रैक्टिकल है ना केमिस्ट्री के, बहुत ही इजी है इस बार। जो आप लोग सेकंड और फर्स्ट में कर रहे थे उससे तो बहुत ही इजी है और आपको बहुत अच्छे से समझ भी आएगा। देखिए, मैं पूरी वीडियो में आपको डिटेल में बता दूँगी इसमें करना क्या है आपको। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रिक्वायरमेंट्स डालेंगे आप, स्टैलगमोमीटर मिलेगा आपको, क्लैंप स्टैंड, स्मॉल रबर ट्यूब। अभी देखिए, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा होगा ये क्या है, पर जब मैं आपको पूरा बताऊंगी उसके बाद आपको सब क्लियर हो जाएगा। रबर ट्यूब, ये स्क्रू पिंच, और इसके बाद बीकर्स, वाटर, एक्सपेरिमेंटल लिक्विड, ये सब आपको चाहिए ना। आप थोड़ी सी थ्योरी लिख लेंगे। देखिए, सरफेस टेंशन का प्रैक्टिकल है और आपसे इसमें जो वाइवा के क्वेश्चंस होते हैं उसमें सरफेस टेंशन की डेफिनेशन पूछ सकता है, तो आपको पहले सरफेस टेंशन ही मालूम होना चाहिए क्या होता है। तो यहाँ थ्योरी में आप लिख लेंगे, अटेंशन और फोर्स इन न्यूटन एक्टिंग एट राइट एंगल अलोंग द सरफेस ऑफ लिक्विड 1 मीटर इन लेंथ इज नोन एज सरफेस टेंशन। इसकी यूनिट क्या है वो भी याद कर लीजिएगा, CGS में भी और SI में भी। ठीक, सरफेस टेंशन एक तरह का खिंचाव बल है। ठीक है ना, इससे जो होता है लिक्विड, जो फ्लूड आपका है वो गाढ़ा हो जाता है। चलिए अब देखते हैं अपने फॉर्मूले को। जो फॉर्मूला हमको यूज़ करना है सरफेस टेंशन निकालने के लिए वो होगा γ1/γ2, N2/N1, ρ1/ρ2। देखिए गाइस, जो N1 है, γ1 जो है वो क्या है, सरफेस टेंशन ऑफ वाटर है। यहाँ जो 1 से हो रहे हैं ना, 1 N1, ρ1 और γ1, ये सब वाटर के लिए हैं। ठीक है, तो यानी जो γ1 है वो सरफेस टेंशन ऑफ वाटर है। इसी तरह से जो N1 होगा वो नंबर ऑफ ड्रॉप ऑफ वाटर होगा, और जो ρ1 होगा वो क्या होगा, डेंसिटी ऑफ वाटर ही होगा। ठीक है, तो ये सब N1 वाले जितने हैं वाटर के लिए हैं, N2 वाले यानी कि γ2 जो है वो किसके लिए है, लिक्विड के लिए। सिमिलरली N2 क्या है, नंबर ऑफ ड्रॉप ऑफ लिक्विड। ऐसी ρ2 क्या है, डेंसिटी है किसकी, लिक्विड की। अब देखते हैं फॉर्मूला वगैरह कैसे यूज़ करना है, कैसे इसका प्रोसीजर होगा। ठीक है, प्रोसीजर मैंने इसमें लिखा नहीं है, मैं आपको समझा दे दूँगी तो आप खुद भी चाहें तो इसमें ऐड कर सकते हैं, बट ज़रूरत नहीं है प्रोसीजर लिखने की, अगर आप चाहें तो लिख लीजिएगा। तो देखिए, सबसे पहले आपको स्टैलगमोमीटर लेना है। स्टैलगमोमीटर देखिए, जैसे आपने पिपेट देखी होगी, इस टाइप की होती है ना पिपेट, कुछ कुछ ऐसी होती है। ठीक, बट पिपेट में आपको यहाँ पे, इसमें जो स्टैलगमोमीटर की बात हम करें, वहाँ नीचे एक छोटा सा ऐसे बना होगा और बीच में छोटा सा होल होता है, और बीच में यहाँ पे जो है ये कांच की बनी होती है, यहाँ बीच में जो है ये बल्ब होता है इसका। ठीक, और यहाँ ऊपर जो है ये रबर का लगा होता है ट्यूब, जिससे आप वाटर को सक कर सकें या किसी भी लिक्विड को आप सक कर सकें। यहाँ से दोबारा देखिएगा, ऊपर से एकदम सीधी होती है, नीचे बीच में यहाँ एक बल्ब सा होता है, फिर नीचे सीधी होती है, और ऊपर क्या लगा होता है, रबर ट्यूब लगा होता है, एंड नीचे इस तरह से कुछ होगा जिससे आप वाटर को सक कर सकेंगे, कैपिलरी ट्यूब बोलते हैं उसको। ठीक, एपरेटस समझ आ गया आपको, वो तो आप लैब में जब बोलेंगे ना स्टैलगमोमीटर के लिए तो वो आपको खुद ही दे देंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, स्टैलगमोमीटर आपने ले लिया, सबसे पहले एक बीकर में क्या लेंगे आप, वाटर लेंगे। स्टैलगमोमीटर लेने के बाद उसे वॉश करके अच्छे से रख दीजिएगा। एक बीकर में आपने लिया वाटर, ठीक, इस वाटर को आप क्या करेंगे, सक करेंगे स्टैलगमोमीटर से, जैसे हम पिपेट से सक करते हैं ना, सेम बिल्कुल इससे भी ऐसे सक करना है। यहाँ से आप इसे सक करेंगे, थोड़ा इसमें मतलब ज़्यादा जोर लगता है, थोड़े से आपको हैवीली सक करना है इसको, और इस वाटर को सक करते करते कहाँ लेके आना है, इस पॉइंट तक, ठीक, बल्ब के ऊपर तक लाना है आपको। अगर सपोज दैट आपको बल्ब के ऊपर तक लाना है, आप यहाँ तक ले आए तो थोड़ा सा पानी निकाल दीजिएगा, यहाँ तक लाना है आपको। ठीक है, यहाँ रखना है इस मार्क को, तो यहाँ तक आपने पानी फिल कर लिया वाटर,
सक किया आपने, आपने पानी यहाँ तक भर लिया, उसके बाद आपको क्या करना है, जो आपने ब्यूरेट का स्टैंड देखा होगा, ब्यूरेट स्टैंड जिसमें ब्यूरेट लगाई जाती है, उसमें आप स्टैलेगमोमीटर लगा दीजिएगा। अदरवाइज़ अगर नहीं है तो हाथ से पकड़ के भी कर सकते हैं। यहाँ से यहाँ तक पानी को पहुँचने में कितनी ड्रॉप्स गिरी नीचे, देखिए यहाँ से अगर आप देखिए, आप सबसे पहले क्या किया आपने, वाटर सक किया, यहाँ तक फिल कर लिया, ठीक, ये काम आपका हो गया, यहाँ तक आपने वाटर फिल कर लिया है अपना। उसके बाद आपने क्या किया, यहाँ हाथ लगाते हैं ना जिससे वाटर रुका रहे, फिर आप हाथ हटा देंगे, ड्रॉप्स गिरना स्टार्ट हो जाएंगी, आपको उन ड्रॉप्स को काउंट करना है, कहाँ तक खाली हो जाए जब तक यहाँ तक पहुँच जाए। दो पॉइंट मान लेते हैं ना, एक ये ए एक ये बी, यानी ए से बी तक आने में जितनी भी ड्रॉप्स कम गिरी हैं वाटर की, उनको आपको लिखना है, ठीक। उससे आपका क्या निकलेगा, एन वन निकलेगा, ये आपको समझ आ गया। उसके बाद जो अपने आप बीकर लिया, बीकर में वाटर लिया था, तो वाटर के लिए एन वन, देखिए तीन बार करना है इसको ऐसी, मतलब आपको क्या करना है, सबसे पहले एक बीकर लेना है, बीकर में वाटर लिया आपने, उस वाटर को आप क्या करेंगे, सक करेंगे, इससे स्टैलेगमोमीटर से एक पॉइंट बना लीजिएगा कि यहाँ से यहाँ तक ही लाना है इसको, मतलब ऊपर जितना है उतना ही नीचे होना चाहिए, उस पॉइंट तक आने में कितना वाटर की ड्रॉप्स गिरी हैं वो आपको नोट करनी है। तीन बार ऐसा करेंगे आप, ठीक, हर रीडिंग्स को केमिस्ट्री में तीन बार ही किया जाता है। नाउ अब हम क्या करेंगे, फिर एक भी कर लेंगे, वाटर वाला हो गया, ठीक, फिर धो लीजिएगा उसे अच्छे से, साफ़ कर लीजिएगा अपने स्टैलेगमोमीटर को, फिर एक भी कर लेंगे, उसमें आपको एक लिक्विड मिलेगा, ठीक है, ऑब्जेक्ट में भी लिखा था लिक्विड, तो लिक्विड आपको या तो अल्कोहल भी दे सकते हैं, बेंजीन भी दे सकते हैं, लिक्विड कुछ भी हो, तो आपको करना इस तरीके से ही है, ठीक, लिक्विड कुछ भी दिया जा सकता है। उसमें आपको क्या करना है, फिर लिक्विड को सक करना, जैसे वाटर आपने सक किया, यहाँ से कहाँ तक भरेंगे अब आप लिक्विड को, यहीं तक जहाँ तक वाटर भरा था, उसके बाद फिर आप रख देंगे उसे स्टैंड पर, और जितनी ड्रॉप्स गिरती हैं वो हम लिख लेंगे, कितनी ड्रॉप्स हमारी यहाँ तक आने में गिरी हैं, समझ आ गया। तीन बार आपको लिक्विड का करना है, यहाँ तक आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। देखिए इस टेबल से समझिए, पहले हमने लिया स्टैलेगमोमीटर में वाटर, उसमें कितनी ड्रॉप्स गिरी, एक बार 60 गिरी, कहाँ से कहाँ तक, वो जो बीच में उसका बल्ब है ना स्टैलेगमोमीटर का, उस बल्ब से पास होने पर, यानी इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आने में कितनी ड्रॉप्स गिरी वो लिखनी है हमें, ठीक है। तो नंबर ऑफ ड्रॉप्स आप लिख लेंगे, उनका मीन निकालेंगे तो वो एन वन आ जाएगा, देन आप लिक्विड के साथ करेंगे, फिर उसकी ड्रॉप्स लिखेंगे, उसका मीन निकालेंगे, एन टू आ जाएगा, एन वन एन टू तो मिल गया। अब इस फॉर्मूले में ये दोनों चीज़ें आ गई, अब रो वन और रो टू कैसे निकलेगा, इसके लिए देखिए ये क्या है, डेंसिटी है। डेंसिटी निकालने के लिए आपको चाहिए होगी आरडी बॉटल, ठीक, शायद इस रिक्वायरमेंट्स में लिखा नहीं है हमने, आप लिख लीजिएगा क्या, आरडी बॉटल, आरडी बॉटल, देखिए शॉर्ट में आरडी बोला जाता है, वैसे ही क्या है, रिलेटिव डेंसिटी बॉटल। आरडी की फुल फॉर्म अगर वाइवा में पूछ ले तो आप लिख लीजिएगा रिलेटिव डेंसिटी बॉटल। एक छोटी सी बॉटल होती है कांच की, कुछ इस शेप की, ठीक, उसके ऊपर इसकी कॉक लगी होती है, इसका ठीक, ऐसी एक बॉटल होती है, इस बॉटल को आपको लेना है और सिंपली इसको वेट कर लेना है कि इसका वेट कितना है, ठीक। वेट मशीन होगी आपकी लैब में, उस पर रखकर आपको इसको वेट कर लेना है कितना इसका वेट है, वो सपोज डेट आपका निकलाया डब्लू, ठीक। उसके बाद इस आरडी बॉटल में आपको क्या डालना है, पानी, पानी से आपको पूरी फिल कर देनी है, ये आप यहाँ से हटाएंगे इसका ढक्कन, उसमें पानी भरेंगे, फिर इसे लगा के फिर आप वेट करेंगे। मान लिया डब्लू वन आ गया, कुछ वैल्यू आई होगी, ठीक, डब्लू वन कोई वैल्यू आ जाएगी, आप पानी डालेंगे, उसके बाद वेट कुछ और आएगा, तब आपको क्या करना है, देखिए खाली बॉटल का वेट आपके पास है, उसमें आपने पानी मिलाया उसका वेट आपके पास है, तो अगर आपसे मैं कहूँ कि वाटर का वेट कितना है तो क्या आप निकाल लेंगे, ऑब्वियसली आप निकाल लेंगे, कैसे, ये वाला जो वेट आया आर डी बॉटल प्लस वाटर, ये ज़्यादा होगा, तो इसमें से आप खाली बॉटल का घटा देंगे तो आपका निकल आएगा ना वेट ऑफ वाटर, यानी वॉल्यूम ऑफ वाटर, ठीक, वेट नहीं वॉल्यूम होता है वाटर का, तो आप यहाँ पे W लिखा है तो इसलिए मैंने वेट बोल दिया है, तो कैसे निकालेंगे वाटर का वॉल्यूम,
जो आपने आरडी बोतल में वाटर, आरडी बोतल बोतल में वाटर मिलाया आपने, उसको वेट किया, खाली बोतल का पहले ही कर रखा था, उसमें से उसे घटा दीजिए, आपका वाटर का वेट निकल आएगा। यहाँ तक क्लियर है आपको? नाउ फिर हम क्या करेंगे, उसी आरडी बोतल में अब हम मिलाएंगे लिक्विड। उस आरडी बोतल में लिक्विड को फिल करेंगे, कुछ वेट आएगा, मान लीजिए W2 आएगा, ठीक। इन दोनों को ऐड करने पे, ऐड मतलब यहाँ मैंने ऐड का चिन्ह इसलिए लगाया है कि आरडी बोतल के अंदर आपको लिक्विड डालना है, तब आपका जो वेट आएगा वो W2 आएगा, और खाली बोतल का कितना था, W था। अब अगर लिक्विड का वेट मैं आपसे कहूँ, सिमिलरली आप निकाल लेंगे कैसे, आरडी प्लस लिक्विड का कितना है W2, और खाली बोतल का W, इसमें से सब्सट्रैक्ट कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। तो लिक्विड का वेट भी आपके पास आ गया, वाटर का भी आ गया। देखिए कैसे लिखा मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन में, वेट ऑफ एम्प्टी आरडी बॉटल 37.15 ग्राम है, ठीक। आरडी बॉटल में जो हमने वाटर ऐड किया तब कितना वेट हुआ उसको, 103 ग्राम। वॉल्यूम निकालें अगर वाटर का, वाटर कितना है उसमें, तो जो टोटल है 103, उसमें से खाली वाली का घटा दीजिए, वाटर निकल आएगा, यह आ गया आपका। फिर सेम हमने क्या किया, लिक्विड लिया आरडी बॉटल में, वाटर को हटा दिया, वाटर निकाल के उसके बाद उसमें लिक्विड डाला, तो कितना वेट आया, इतना आया 90.90 ग्राम। उसके बाद लिक्विड का वेट अगर हम निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं, लिक्विड भरी हुई बॉटल यानी 19.90 माइनस खाली बॉटल का ये है, इसमें से घटा देंगे, ये दो वैल्यू आपकी निकल आएंगी, एक वॉल्यूम ऑफ वाटर और वेट ऑफ लिक्विड। अब ये दो चीज़ें निकल आई, तो अब आपको क्या निकालनी है, डेंसिटी निकालनी है लिक्विड की, रो वन और रो टू की वैल्यू तो निकालनी है। रो वन रो टू क्या है, डेंसिटी तो है, रो वन किसकी है, लिक्विड वाटर की, और रो टू किसकी है, लिक्विड की। तो वाटर की जो डेंसिटी होती है वो वन होती है, ठीक, आप नोट कर लीजिएगा वाटर की डेंसिटी कितनी है, इसमें वन ही लिखनी है हमें। तो निकालनी किसकी है फिर, हमें लिक्विड की निकालनी है। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, वेट ऑफ लिक्विड अपॉन वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो वेट ऑफ लिक्विड, लिक्विड का वेट कितना है आपका, ये है, और वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना है, ये, इन दोनों को आप डिवाइड कर देंगे तब आपकी डेंसिटी ऑफ लिक्विड निकल आएगी। डेंसिटी ऑफ लिक्विड निकल आई, डेंसिटी ऑफ वाटर पता है वन होती है, और सरफेस टेंशन, अब देखिए इस फॉर्मूले में N2 निकल गया, N1 आ गया, रो 1 आ गया, रो 2 आ गया, बट हमें निकालना क्या है इस फॉर्मूले से, हमें निकालनी है सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड। सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड क्या है, गामा 2। तो ये सब वैल्यू पता है, बट गामा 1 नहीं पता है, तो आप कैसे निकालेंगे गामा 2 की वैल्यू। तो गामा 1 भी एक वैल्यू होती है, वाटर के लिए सरफेस टेंशन कॉन्स्टेंट रहती है। सरफेस टेंशन ऑफ वाटर कितनी है, 72.19 पर सेंटीमीटर। आप चाहे तो रूम टेम्परेचर अपना ले लीजिएगा कि आपके रूम का क्या टेम्परेचर है, उस पर आप देख लीजिएगा कि सरफेस टेंशन कितनी होती है वाटर की। तो ये आपके आ गई 72.1। ये आपको याद रखनी दो चीज़ें, डेंसिटी ऑफ वाटर 1 होती है, सरफेस टेंशन कितनी होती है 72.19 पर सेंटीमीटर, ठीक। यहाँ यूनिट भी ध्यान रखिएगा कि हम किस में ले रहे हैं। अब आप सॉल्व कर लेंगे ईजिली, सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड निकल आएगी, गामा 2, इन सबको कैलकुलेट, मतलब यहाँ फॉर्मूले में वैल्यू रखी है, ये इस फॉर्मूले में वैल्यू रखी है। देखिए पहले इसकी यहाँ गुणा होगी इसकी इधर, तो हो जाएगा गामा 1 N1 रो 2 बराबर गामा 2 N2 रो 1, यही होगा। उसके बाद हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, गामा 2 की। तो गामा 2 के लिए ये जो वाला, ये वाला पार्ट है इधर वाला, ये कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में, यानी N2 रो 1। तो बस इसी में हमने यहाँ वैल्यू रखी है, ये यहाँ से हट जाएगा और ये नीचे चला जाएगा। गामा 2 की वैल्यू आपकी निकल जाएगी, गामा 1 की वैल्यू रखिएगा, N1 की, रो 2 की, N2 और रो 1 की। यहाँ हमने यही सब वैल्यूज़ रखी हैं, एंड देन यहाँ पे आपकी सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड निकल आएगी, जो लिक्विड आपने लिया है उसकी सरफेस टेंशन क्या है, ठीक। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा प्रैक्टिकल आपको क्या करना है इसमें। एक बार मैं आपको एकदम फास्ट में बता देती हूँ दोबारा, अगर कहीं कुछ कंफ्यूजन होगा तो आप समझ लीजिएगा। स्टिलैग्मोमीटर लेना है, ठीक, पहला काम मैं शॉर्ट में लिख दे रही हूँ यहाँ, ठीक। स्टिलैग्मोमीटर लेना है, उसके बाद उसे वॉश वॉश कर लिया आपने अच्छे से, उसमें क्या डालना है, स्टिलैग्मोमीटर में वाटर भरना है, कहाँ तक, उसका बल्ब होगा, बल्ब के ऊपर तक मार्क होता है उसमें, वहाँ तक आप फिल करना है आपको। फिर बल्ब के नीचे तक आने में आपको ड्रॉप्स काउंट करनी है, यानी N1 की वैल्यू निकल आएगी। सेम प्रोसेस लिक्विड के साथ करना है, स्टिलैग्मोमीटर में
क्या ऐड करना है, फिर लिक्विड ऐड करना है। लिक्विड ऐड करने के बाद भी वही ड्रॉप्स काउंट करनी है और एन टू की वैल्यू निकल आएगी। एन वन एन टू निकल आए, ठीक। अब आपको रो वन रो टू निकालना है, उसके लिए आपको क्या चाहिए होगा, आर डी बॉटल। आर डी बॉटल मैंने आपको बताया किस तरह की होती है। आर डी बॉटल को सबसे पहले आपको क्या करना है, आर डी बॉटल में भी सिंपली उसको वेट कर लिया एम्प्टी का, कि जब आर डी बॉटल खाली है उसका वेट कितना है। उसके बाद आर डी बॉटल में आपने क्या मिलाया, वाटर मिलाया, उसका वेट कर लिया। फिर वाटर को निकाल के आर डी बॉटल में आपने वो लिक्विड मिलाया, उसका वेट कर लिया। ये हमने मान लिया डब्ल्यू वन आ गया, ये डब्ल्यू टू और ये डब्ल्यू। तो आपसे अगर कहा जाए कि वेट ऑफ वाटर यानी वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना होगा, तब आप इसमें से इसे घटा देंगे, निकल आएगा। और वेट ऑफ लिक्विड कहा जाए तो इसमें से इसे माइनस कर देंगे, वो निकल आएगा। यहाँ मैं फास्ट में बता रही हूँ आपको रिवाइज़ करने के लिए। डब्ल्यू की मतलब आपको वॉल्यूम वेट पता चल गया वाटर का भी और लिक्विड का भी। देन आपको क्या निकालनी है, डेंसिटी निकालनी है। तो वाटर की डेंसिटी तो कितनी होती है, वन ही होती है। तो निकालनी किसकी है फिर, लिक्विड की। लिक्विड की डेंसिटी निकाल लेंगे आप, फिर कैलकुलेशन कर लेंगे यहाँ पे सारी। और लास्ट में आपकी क्या आ जाएगी, सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड निकल आएगी, ठीक। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इसका लिंक मैंने आपको जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से जाके आप इसे नोट कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।